الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم बुज़ुर्गान मोहतरम और मेरे अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों, अल्लाह जल्ल जलालुहु ने इस कायनात में इंसान के लिए बहुत सारी नेमतों और इनामात का बंदोबस्त किया है, जिसका ज़िक्र इजमाली तौर पर करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا अगर तुम अल्लाह जल्ल जलालुहु के इनामात को गिनना शुरू करोगे तो तुम गिन नहीं सकोगे। इस कायनात के अंदर जितनी चीज़ें हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की ज़िंदगी आसान करने के लिए और इंसान को अपनी ज़िंदगी बसर करने में सहूलत देने के लिए पैदा कर रखी हैं। चुनाचे कुरान करीम में अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाते हैं وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ कि इस कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो ज़मीन में हो, आसमान में हो, या ज़मीन और आसमान के दरमियान हो, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब के सब अल्लाह जल्ल जलालुहु ने इंसान की खिदमत के लिए, इंसान की सहूलत के लिए पैदा कर रखी हैं। कायनात के अंदर जो भी निज़ाम है, जितने भी अल्लाह जल्ल जलालुहु की कुदरतें हैं या उसकी कुदरत के मज़ाहिर हों, सब के सब इंसान की सहूलत के लिए हैं। अल्लाह जल्ल जलालुहु एक जगह इरशाद फरमाते हैं कि सुम्मस सबील यस्सरा, कि हमने इंसान के लिए फिर रास्ता आसान किया है। रास्ता आसान करने के मफहूम में ये भी दाखिल है कि जब इंसान पैदा होता है, माँ के पेट से बाहर आता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक तंग रास्ते से सहूलत के साथ उसको बाहर निकाल देते हैं। और रास्ता आसान करने के मफहूम में ये भी दाखिल है कि जब इंसान ज़िंदगी गुजारता है, अब इस दुनिया में इसको जगह जगह मुशक्क़तों का सामना करना पड़ता है, तकालीफ का सामना करना पड़ता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को उन तकालीफ और मुशक्क़तों से बाहर निकलने का रास्ता मुहैया करता है और उसकी ज़िंदगी इंसान के लिए आसान करता है। अब इन तमाम तर नेमतों में एक बहुत बड़ी नेमत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को दे रखी है, वो नेमत है अमन की, अमन व अमान की, एक इत्मीनान वाली फिजा की, पुरअमन माहौल की, कि एक ऐसा माहौल हो जिसमें लोगों को अपनी जान और अपने माल के बारे में कोई खौफ ना हो, किसी किस्म का खदशा ना हो, औलाद के तहफ्फुज़ या अपनी जान के तहफ्फुज़ के लिए लोगों के दिल में वसाविस ना हो, अंदेशे ना हो, अपने रिज़क के बारे में वो मुतमईन हो, अपने माल के बारे में उनको सहूलत वाली एक ज़िंदगी मुयस्सर हो कि हमसे कोई माल छीनने के लिए नहीं आएगा या कोई हमारी जान को, हमारी औलाद को, हमारे माल को नुकसान देने वाले अनासर माहौल में नहीं है। जब इस किस्म का माहौल किसी मुआशरे को मिलता है तो इसे अमन अमान कहा जाता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत किसी मुआशरे के लिए अगर हो सकती है तो वो अमन वाली फिजा है। चूंकि ये बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए अल्लाह जल्ल जलालुहु ने कुरान करीम में जगह जगह इसको जतलाया है, इस नेमत का जिक्र किया है कि हमने तुम्हें अमन की नेमत दी। कुरैश से मुखातब होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं अवलम नुमक्किल लहुम हरमन आमिना युजबा इलैहि समरातु कुल्लि शैइर रिज़्क़ मिन लदुन्ना, क्या हमने इन लोगों को रहने के लिए एक ऐसी जगह नहीं दी जो हरम है, आमिनन जो मामून है, जो बिल्कुल पुरअमन है, और उसके अमन का यह आलम है कि युजबा इलैहि समरातु कुल्लि शैइ, के हर तरफ से अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल से वहां रिजक खेंचा चला आता है, हर किस्म के मेवे वहां खेंचे चले आते हैं, और इस किस्म के पुरअमन माहौल में ये लोग जिंदगी बसर करते हैं।
एक और जगह कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी अमन का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि क्या हमने इसी हरम को आमिन नहीं बनाया, मामून नहीं बनाया, और हमने इस इलाके को पुरअमन बनाया। हालांकि सूरत हाल यह है युतखत्तफुन नासु मिन हौलिहिम कि इस पुरअमन इलाके को छोड़कर जो इर्द गिर्द का माहौल है उसमें बदअमनी का अंसर है, उसमें लोग मुतमईन नहीं है न अपनी जान के बारे में न अपने माल के बारे में। ऐसे बदअमनी के माहौल में हमने तुम लोगों को एक पुरअमन मुआशरा दिया तो ये हमारी तरफ से गोया कि बहुत बड़ी नेमत है। सूरह कुरैश में बराहे रास्त कुरैश से अल्लाह जल्ल जलालुहु मुखातब है कि लि इलाफ़ कुरैश इलाफ़िहिम रिहलत शिताई वस्सैफ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल से तुम लोग साल में दो सफर करते हो, सर्दियों का गर्मियों का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अरब से बाहर निकलकर यमन और शाम के इलाकों में जाते हो और तुम्हें रास्ते के खतरात से अमन हासिल है, तुम्हें अल्लाह जल्ल जलालुहु ने अमन का एक सफर आता फरमाया, अमन की नेमत से माला माल किया है। अब इसका तकाजा क्या है? इसका तकाजा यह है फलियाबुदु रब हादल बैत कि इस घर के रब की इबादत करो। क्यों? क्योंकि इस घर का रब वो रब है अल्लज़ी अतअमहुम मिन जुअ जिसने तुम्हें भूख के आलम में खिलाया, बेरोजगारी का अंसर तुमसे दूर किया या गुर्बत का एक माहौल है वो अल्लाह जल्ल जलालुहु ने तुमसे दूर किया। वह आमनहुम मिन खौफ और खौफ के माहौल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम लोगों को एक अमन का माहौल मुयस्सर किया। अब ये अमन अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो नेमत है, ये अल्लाह जल्ल जलालुहु के इनामात में से वो बड़ा इनाम है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को ये नेमत देने के बाद जतलाता भी है कि याद करो कि तुम बदअमनी में थे और हमने तुम्हें बदअमनी से निकाल कर अमन का माहौल दिया, अमन की नेमत आता की। हजरत इब्राहिम अलैहिस सलाम ने जब बैतुल्ला की बुनियाद रखी और मक्का मुकर्रमा की आबादी का आगाज किया तो उन्होंने जो अल्लाह से दुआ की उसमें भी अल्लाह जल्ल जलालुहु से मक्का के लोगों के लिए और इस इलाके के बासियों के लिए जो सबसे पहली चीज तलब की वो अमन था। अमन तलब किया लोगों के लिए कि या अल्लाह यहां के जो लोग होंगे उन्हें एक अमन वाली जिंदगी आता फरमा और उन्हें रिजक भी आता फरमा। अब इस आयत में या इस दुआ में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस इलाके के लोगों के लिए दो चीजें मांगते हैं, एक अमन और एक रोजगार। अमन और रिजक, पुरअमन माहौल और रोजगार भरी जिंदगी पैगंबर उस इलाके के लोगों के लिए तलब करते हैं। लेकिन काबिल जिक्र चीज यह है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अमन पहले मांगते हैं, रोजगार बाद में मांगते हैं। पहले अमन तलब किया बाद में रिजक तलब किया, इसलिए कि अमन होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग दुकानों में जा सकेंगे, कारोबार कर सकेंगे, उनका माल महफूज होगा। और अगर इलाका ही बदअमन हो, मुआशरे में बदअमनी हो, कत्लो गारतगरी हो, अनारकी हो, तो फिर उस इलाके में रोजगार भी नहीं चलता और लोग रिजक के लिए भी परेशान होते हैं। हजरत इब्राहिम की दो दुआएं कुरान करीम में मौजूद हैं इस इलाके के लोगों के लिए। पहली दुआ में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अमन और रोजगार तलब करते हैं, अमन और रिजक, और दूसरी दुआ में अमन और बुतपरस्ती से बचाव की दुआ करते हैं। वजनुबनी वबनी या नाबुदल असनाम के ए रब इस इलाके को पुरअमन बना दीजिए और मेरी और मेरी औलाद को और इस इलाके के लोगों को बुतों की पूजा से महफूज रखिए। तो दो दुआएं पैगंबर इस आयत में करते हैं, एक तरफ अमन तलब करते हैं और दूसरी तरफ इस इलाके के लोग और अपनी औलाद के लिए तौहीद तलब करते हैं। लेकिन अमन और तौहीद में से भी अमन को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुकद्दम रखा। अब ये दो दुआएं हैं हजरत इब्राहिम की और दोनों से यह साबित होता है कि अल्लाह जल्ल जलालुहु के इनामात में से बहुत बड़ा इनाम जो वो अपने बंदों पर करता है, किसी मुआशरे किसी सोसाइटी या किसी रियासत पर जब वो इनामात करता है तो उसके इनामात में से बहुत बड़ा इनाम या उसके फजल में से बहुत बड़ा फजल वो अमन व अमान की दौलत है। और अमन की दौलत एक ऐसी दौलत है कि जब मुआशरा पुरअमन हो तो उस मुआशरे में रोजगार भी होता है, उस मुआशरे में रिजक की फरावानी भी होती है, और जब मुआशरा पुरअमन हो तो उस मुआशरे के लोग इबादत भी आसानी से करते हैं।
قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ جب نماز کا ذکر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز قائم کرو. حج کے بارے میں فرماتے ہیں فَإِذَا أَمِنْتُمْ، کہ جب تم مامون ہو جاؤ، جب تم پر امن ہو جاؤ، پھر حج اور عمرے کے فرائض سر انجام دو. گویا کہ ایک پیغام دیا جا رہا ہے یا ایک دعوت دی جا رہی ہے کہ یہ امن ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے انسان کے لیے عبادات بھی آسان ہوتی ہیں، اس کے لیے اللہ جل جلالہ کے احکامات پر عمل کرنا یہ بھی آسان ہوتا ہے، اور اپنی دنیاوی زندگی کے لیے رزق طلب کرنا، روزگار تلاش کرنا یہ بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ایک قوم کا ذکر کرتے ہیں اللہ جل جلالہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قرية آمنة مطمئنة، کہ اللہ جل جلالہ آپ لوگوں کو ایک ایسی قوم کی مثال دیتے ہیں، آمنة جو پرامن تھی، مطمئنة جو مطمئن تھی، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور چاروں طرف سے ان پر رزق ٹوٹا پڑتا تھا، یعنی روزگار کے مواقع ان کو حاصل تھے، رزق کے معاملے میں وہ خود کفیل تھے. اب یہ دو بڑی نعمتیں اللہ جل جلالہ نے ان کو دے رکھی تھی کہ پر امن بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ روزگار بھی ان کو ملا ہوا تھا. امن تھا تو روزگار بھی تھا، امن تھا تو رزق بھی تھا، لیکن فکفرت بانعم اللہ، جب انہوں نے اللہ جل جلالہ کی نافرمانی کی، فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنایا. جہاں رزق فراوانی میں تھا اور اب بھوک کا غلبہ ہو گیا، کہاں وہ پر امن تھے، مطمئن تھے، اور اب وہ خوف کا شکار ہے. تو قرآن کریم کی ان آیات سے یا ان مضامین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی معاشرے کے لیے سب سے بڑا انعام اللہ جل جلالہ کا اگر معاشرتی طور پر ہو سکتا ہے تو وہ امن و امان کی صورتحال ہے. امن و امان کی صورتحال اگر کسی معاشرے کو میسر ہو تو پھر اس معاشرے کے رہنے والے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی عام ہوتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ کی عبادات بھی وہ آسانی کے ساتھ سر انجام دے سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور آپ علیہ الصلوات والتسلیمات نے ایک مسلمان مملکت یا مسلمان ریاست کی بنیادیں رکھیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کی طرف یا اس معاشرے کے اندر امن کی طرف متوجہ ہوئے کہ یہاں امن و امان کی صورتحال ہو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت مدینہ منورہ جو اس زمانے میں یثرب کہلاتا تھا، اس کی جو علاقائی صورتحال تھی وہ کچھ یوں تھی کہ انصار کے لوگ، اوس اور خزرج کے دو بڑے قبائل اور 12 کے قریب ضمنی قبائل میں منقسم تھے، اور یہود ان کے 3 بڑے قبیلے تھے، اور ان 3 قبائل کے تقریباً 10 کے قریب آگے شاخیں تھیں، ایک طرف 12 شاخیں، ایک طرف 10 شاخیں. اب یہ مختلف قسم کے لوگ ایک علاقے میں آباد تھے، اور یہ کوئی آپس میں شیر و شکر نہیں تھے. اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں لڑا کرتے تھے، سال ہا سال تک ان کے درمیان جنگیں چلتی رہیں، جس کا تذکرہ گزشتہ خطبوں میں آپ سن چکے. ایک طرف آپس میں لڑتے تھے، دوسری طرف یہود کے ساتھ مخالفت تھی. اس ماحول میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ابتدا میں امن و امان کی صورتحال یہ تھی، یا بد امنی اس قدر عروج پر تھی کہ صحابہ کرام رات کو سوتے وقت بھی اسلحہ پہن کے سوتے تھے، اسلحہ ان کے پاس ہوتا تھا، مسلح ہو کے بستروں میں جاتے تھے کہ کہیں کسی کا حملہ نہ ہو جائے. ایک طرف قریش کا خطرہ ہے، اور دوسری طرف یثرب سے باہر، مدینہ منورہ سے باہر مختلف دشمن قبائل ہیں، اور سب سے بڑا خطرہ کہ اندرونی طور پر مدینہ منورہ میں مختلف خطرات تھے، مختلف خدشات تھے کہ کہیں یہودی نقصان نہ دے دیں، کہیں منافقین نقصان نہ دے دیں. تو اس قسم کے مختلف الخیال، مختلف نظریات کے حامل لوگ اس علاقے میں آباد تھے، جن کی وجہ سے امن و امان کی صورتحال اس قدر خراب تھی. جیسے میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام رات کو سوتے وقت بھی اپنا اسلحہ اپنے پاس رکھتے تھے. باسیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب آرام فرماتے تھے تو آپ کے حجرہ طیبہ کے باہر دربان کھڑے ہوتے تھے، پہرے داری ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ
एक रिवायत में नकल फरमाती हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन थे, रात को सो नहीं रहे थे, बेचैनी आप पर तारी थी और आप फरमा रहे थे कि लैतनी रजुलन सालिहम मिन असहाबी यहरुसुनी अल्लैला, कि काश मेरे असहाब में से कोई रजुल सालिह, कोई नेक आदमी आज आता और मेरे हुजरे की पहरेदारी की फराइज सर अंजाम देता। अब इतने में हमें बाहर से हथियार की झनकार की आवाज सुनाई दी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज लगाई, कौन? तो बाहर से आवाज आई कि साद, कि या रसूलल्लाह मैं साद हूं और आपकी पहरेदारी के लिए हाजिर हुआ हूं। तो जब साद ने पहरेदारी शुरू की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद फिर आराम फरमाना शुरू हो गए। ये अमन अमान की सूरत हाल थी। और जब आयत नाजिल हुई वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको लोगों से महफूज रखेगा, कोई आपको नुकसान नहीं दे सकता, जब ये आयत नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरे मुबारका से सर निकाल कर अपने जो पहरेदार थे उनसे फरमाया कि अब तुम लोग जाओ, अब अल्लाह जल्ल जलालुहु ने मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, अब मुझे किसी पहरेदार की जरूरत नहीं है। ये तो चंद नमूने मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप अंदाजा लगा लें कि मदीना मुनव्वरा में अमन अमान की सूरत हाल किस कदर खराब थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगाज में तशरीफ लाए और आप फौरी तौर पर जिस मसले की तरफ मुतवज्जे हुए वो अमन अमान का मसला था कि किसी तरीके से मदीना मुनव्वरा में दाखली तौर पर अमन कायम हो, खारजी तौर पर अमन कायम हो और मदीना मुनव्वरा के रहने वाले लोग दाखली खदशात से भी महफूज रहें और बेरूनी खतरात से भी उन्हें कोई खास खतरा ना हो। अब अंदरूनी तौर पर जैसे मैंने अर्ज किया कि सहाबाए किराम को खतरा था यहूद से, मुनाफिकीन से, जो मदीना के अंदर रहते थे और मदीना की आबादी के साथ उनकी आबादियां मुलहक थीं, एक इलाके के रहने वाले लोग थे। इस दाखली खतरे से निमटने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाज में, जब अभी मस्जिद नबी भी नहीं बनी थी और अभी तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनू नजार में अपने ननियाल के यहां तशरीफ फरमा थे, तो उस वक्त आगाज में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद के साथ एक मुआहदा फरमाया जिसे तारीख में मिसाक मदीना कहा जाता है। कुछ हजरात इसको मिसाक मदीना से ताबीर करते हैं, कुछ लोग इसको किताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिल अंसारी वल मुहाजिरीन या किताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिल यहूद, कुछ हजरात इसको इन ताबीरात के साथ बयान करते हैं, कुछ इसको मिसाक से ताबीर करते हैं, नाम कोई भी हो, लेकिन दर हकीकत ये एक फैसला था मदीना मुनव्वरा के एक हुक्मरान की जानिब से, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से, और एक दस्तूर था कि इस इलाके के लोग बाहमी किस तरीके से रहेंगे। और इसकी एक शिक काबिल गौर है कि उसमें एक शिक शामिल की गई कि इस इलाके में जब कभी कोई कजिया होगा या जब कभी दो लोगों के दरमियान इख्तिलाफ होगा या कोई भी मामला होगा तो उसमें जो आखिरी बात होगी वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। और इस शिक पर यहूद के दस्तखत भी करवाए गए और गोया कि यहूद ने इस शिक को तस्लीम करके ये मान लिया कि मदीना मुनव्वरा की हुक्मरानी हमारे पास नहीं है बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के पास है। ये मुसलमानों की सियासत का अव्वलीन कारनामा था कि उन्होंने अपने सबसे बड़े मुखालिफ उनसे अपनी क़यादत और अपनी सियादत तस्लीम करवाई। यहूद की मुखालिफत का ये आलम था कि उन्हें सब कुछ मालूम था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वो अच्छी तरह से जानते थे कि ये नबी बरहक हैं और इनका साथ देना ये दुनियावी और उखरवी निजात की जमानत है और इनकी मुखालिफत करना अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद करने के मुतरादिफ है। सब कुछ जानने के बावजूद वो जिद और इनाद की बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की मुखालिफत किया करते थे। मैं दो मिसालें अर्ज करता हूं जिनसे आप अंदाजा लगाएंगे कि यहूद किस कदर मुखालिफ थे मुसलमानों के। हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन वो फरमाती हैं कि मैं अपने बाप और चचा की इंतहाई लाडली थी, इनके वालिद अपने कबीले के सरदार थे हुयई बिन अख्तुब, तो फरमाती हैं कि मैं छोटी सी बच्ची थी और अपने वालिद और चचा की इंतहाई लाडली थी और जब कभी मैं अपने वालिद या चचा के सामने जाती तो वो मुझे प्यार से उठाते और मुझे लाड करते।
इस कदर मैं उनको लाडली थी या प्यारी थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए और अभी आप कुबा में थे तो मेरे वालिद और चचा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए गए, आपकी ज्यारत करने के लिए, आपकी गुफ्तगू सुनने के लिए, और दिन भर वहां रहे। शाम गए, जब वो दोनों वापस आए तो इंतहाई कमजोर कमजोर परेशान परेशान लग रहे थे, उनके चेहरे पर खुशी की रौनक नहीं थी और परेशान हालत में वो आए। अब मैं चूंकि बच्ची थी तो मैं लाड के मारे आगे गई दौड़कर कि अब ये मुझे उठाएंगे, लेकिन वो इस कदर परेशान और गमजदा थे कि उन दोनों में से किसी ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं की और वो आपस में बातचीत कर रहे थे। मेरे चचा ने मेरे वालिद से पूछा कि तुमने इनको पहचाना, ये वही है? यानी अलामात तो वो पढ़ चुके थे, अब दूसरे से पूछ रहे हैं कि अलामात तो पूरी हैं, तो क्या ये वही नबी हैं? तो वालिद ने कहा हाँ ये वही नबी हैं। अब चाचा पूछते हैं तो ये बरहक हुए? वो कहते हैं हाँ बरहक हैं। अब पूछते हैं कि जब ये वही नबी हैं और बरहक हैं तो फिर हमारा मामला इनके साथ क्या होना चाहिए? तो वालिद जवाब देते हैं कि मुखालिफत का, कि अल्लाह की कसम मैं तादम मर्ग इनकी मुखालिफत करता रहूंगा। ये उनकी जिद थी। और एक और वाकया, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये यहूद के बड़े बड़े उलमा में से थे जो बाद में मुसलमान हो गए थे। ये फरमाते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनू नजार में तशरीफ लाए हिजरत करने के बाद, तो मैं हाजिर हुआ और मैंने जाकर कुछ बातचीत की। चूंकि तौरात का इलम रखते थे, इंजील का, तो फौरन पहचान गए कि ये नबी बरहक हैं। तो मैं मुसलमान हुआ और मुसलमान होने के बाद मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की कि या रसूल अल्लाह, यहूद की कौम को शायद आप जानते हो, ये बड़े सरकश हैं और ये बहुत जिद्दी हैं, जब मेरे मुसलमान होने के बारे में सुनेंगे तो ये मेरे बारे में प्रोपेगंडे करेंगे, तरह तरह की बातें आप तक पहुंचाएंगे, लिहाजा बेहतर है कि मेरे मुसलमान होने की इतला उन तक पहुंचने से पहले आप मेरे बारे में उनसे पूछ लें। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद को बुलाया, अब्दुल्ला बिन सलाम पर्दे में चले गए, तो आपने उनसे पूछा कि तुम्हारी कौम में एक शख्स है अब्दुल्ला बिन सलाम, उनके बारे में तुम क्या कहते हो? तो यहूद ने आवाज बुलंद या फौरन ही कहा, जमा होकर बगैर सोचे समझे, कि वो हम में सबसे बड़े आलिम हैं और सबसे बड़े आलिम के बेटे हैं। और एक रिवायत के अल्फाज हैं कि उन्होंने कहा कि वो हमारे सरदार हैं और हमारे सरदार के बेटे हैं, यानी हमारे सबसे मुअज्जज घराने के काबिल एहतराम फर्द हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि अगर वो मुसलमान हो जाए तो फिर? तो यहूद ने जमा होकर कहा ऐसा हो नहीं सकता, माज अल्लाह, ऐसा मुमकिन नहीं कि हमारा इतना मुअज्जज आदमी मुसलमान हो जाए। अब यह सुनकर अब्दुल्ला बिन सलाम पर्दे से तशरीफ लाए, सामने आए और बआवाज बुलंद कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, गवाही दी। अब गवाही देते ही, उनकी मुसलमान होने का यकीन होते ही, यहूद ने फौरन पैंतरा बदला और कहा कि शर्रुना वबनु शर्रिना, कि ये हमारा सबसे बदतरीन आदमी और सबसे बदतरीन आदमी का बेटा है। ये दो वाकयात आपने सुन लिए, इनसे आप अंदाजा लगाएं, इस किस्म के दर्जनों वाकयात हैं कि यहूद किस कदर बेदर्दी और किस कदर जिद और ऐनात के मारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते थे। इनके होते हुए, इनकी जिद और ऐनात के होते हुए मदीना मुनव्वरा के अंदर दाखली अमन का हुसूल तकरीबन नामुमकिन था। ऐसी कौम को खामोश करने के लिए या उनकी तरफ से मुसलमानों को पुरअमन करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मुआहदा किया, जिसको मिसाक मदीना कहा जाता है। और इस मुआहदे के बाद मदीना मुनव्वरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत शुरू हुई, मुसलमानों की हुक्मरानी कायम हुई और इस्लाम की पहली रियासत का आगाज भी इस मुआहदे के होने के बाद से होता है कि मुसलमानों की रियासत मुस्तहकम हुई। और यह भी याद रखिए कि इस मुआहदे को दुनिया की मालूम तारीख का सबसे पहला चार्टर कहा जाता है। यह सबसे पहला तहरीरी दस्तूर है जो किसी रियासत के लोगों को मिला। इससे पहले दसातीर मिलते हैं दुनिया में, मुख्तलिफ कवानीन
तहरीरी शक्ल में मिलते हैं, लेकिन वो कवानीन इस नौइयत के नहीं हैं कि वो उस ममलिकत की रियाया को एक मंशूर दे सकें, एक पैगाम दे सकें कि आप लोगों ने रहना किस तरीके से है, रहन सहन कैसे होगा। और न वो दसातीर और वो कवानीन इस नौइयत के थे कि उनके अंदर इस किस्म की दफात शामिल हो कि ये कौम बाहर वाली कौम से कैसा मामला करेगी। ये पहली मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा चार्टर मुरतब करवाया जिसमें न सिर्फ मदीना के अंदर के लोग अंसार और मुहाजिरीन के लिए एक वाज़ह हिकमत अमली थी, बल्कि मुसलमानों को यह भी तालीम दी गई थी कि दूसरी अक्वाम बिलखुसूस यहूद के साथ कैसे रहना है। इस सिलसिले की मजीद भी कुछ बातें हैं इंशाअल्लाह आइंदा जुमे में अर्ज करूंगा। अल्लाह जल्ला जलालुहु हमारे लिए आसान फरमाए। वमा अलैना इल्लल बला।